नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस विद MBS में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है। सुबह जो हमने एक लेक्चर अपलोड किया था, उसके अंदर क्या था, स्टार डेल्टा कन्वर्जन चल रहा था। स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में बदलने का जो प्रोसेस था वो हमने किया था, और उस प्रोसेस को आगे और देखते हुए हम किस तरह से क्या स्टार डेल्टा को बदल सकते हैं, अभी मैं आपको पूरी इसकी डिटेल और बताऊंगा। रेजिस्टेंस का हमारा टॉपिक चल रहा है, प्रतिरोध के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रतिरोध का जो टॉपिक है वो काफ़ी लंबा टॉपिक रहेगा, और इससे एग्जाम के अंदर भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम स्टार को डेल्टा में बदलना। मैंने सुबह आपको बताया था स्टार को डेल्टा में बदलेंगे, तो हमारे पास स्टार दिया हुआ है, डेल्टा में बदलेंगे। इनके पॉइंट मैंने लिखे थे, ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट माना था। सेम उसी तरह से ये ए पॉइंट होगा, ये बी होगा और ये सी पॉइंट होगा। एक बार फिर से, ये आर ए होगा, ये आर सी होगा, ये आर बी होगा। ये पॉइंट है उसको बोलते हैं आर ए सी, इस पॉइंट को बोलेंगे आर सी बी, और इस पॉइंट को बोलेंगे आर ए बी। ये सभी आप जो भी पॉइंट है वो लिख सकते हो। जल्दी से बताता हूँ आपको स्टार को डेल्टा में बदलना। स्टार से हम डेल्टा बनाएंगे, तब वैल्यू क्या चाहिए हमें आर ए बी की, आर ए आर बी का जोड़, आर ए आर बी की मल्टीप्लाई, जो बचा हुआ है वो है डिवाइड लिख। सेम इसी तरह से क्या है आर सी बी का करना है, सेम इसी तरह से आर ए सी का करना है, वो मैंने आपको सुबह बता दिया था। अगर हमें डेल्टा से स्टार बनाना है, डेल्टा दिया हुआ है, डेल्टा दिया हुआ है उससे स्टार में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू चाहिए आर ए की। ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे जाएंगे, जाने के बाद यहाँ से दो बनात जा रही है, कौन कौन सी, आर ए बी आर ए सी, डिवाइड में तीनों का जो जोड़ था वो करना है। ये मैंने बताया था सुबह आपको स्टार और डेल्टा, डेल्टा टू स्टार को बदलने के लिए एक एक पॉइंट मैंने आपको निकाल के बता दिया किस तरह से हम निकालेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये जो मेथड है वो काफी लेंथी मेथड होता है। एक सिंपल मैंने आपको बताना है, स्टार दिया हो उसको डायरेक्ट डेल्टा में बदलना है। ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन तभी होगी जब हमारी, जब वैल्यू जो होगी वैल्यू बराबर हो। अगर हमारी जो वैल्यू दे रखी है, जैसे हम एक बार मानते हैं ये हमारे पास स्टार है, इसकी वैल्यू ले ली मैंने बराबर, मतलब तीन वैल्यू इसकी है, तीन इसकी है, तीन इसकी है, तीनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तीनों जो ब्रांच है उनकी वैल्यू बराबर हो। जब वैल्यू बराबर है तभी ये वाली कंडीशन लगेगी। वैल्यू बराबर है तो हमें क्या करना है, स्टार को डेल्टा में बदलेंगे तो डायरेक्ट तीन से गुणा करना है, बस तीन से मल्टीप्लाई करना है। डेल्टा को स्टार में बदलेंगे तो क्या है, तीन से भाग देना है। बदल के देखते हैं, ये हमारे पास स्टार है, इसको हमें बनाना है डेल्टा में, इसको बदलना है, करना क्या है, स्टार को डेल्टा में बदलेंगे तो तीन से गुणा करना है और कुछ नहीं करना, हमें तीन दे रखा है और इसको तीन से गुणा करेंगे तो तीन तिया नौ, इसको भी तीन से गुणा करेंगे नौ, तीन से गुणा करेंगे नौ, मतलब सभी वैल्यू सेम आएगी। हमारे पास ये सेम वैल्यू है, आगे भी वैल्यू है, वो जो सब सारी वैल्यू है एक जैसी वैल्यू ही निकलेगी। दूसरा मेथड ये तो था स्टार से डेल्टा में जाने का। डेल्टा से स्टार में जाएंगे तब क्या बताया मैंने, तीन से भाग देना है, तीन से हमें डिवाइड करना है। अगर मैं नौ को तीन से डिवाइड करूं तो कितनी वैल्यू आएगी, तीन, तीन वैल्यू बन रही है। इसमें क्या होगा, आपको डेल्टा के अंदर वैल्यू दे रखी है और स्टार बनाना है, तो नौ को तीन से डिवाइड करूंगा मैं तो हमारे पास तीन वैल्यू आएगी, इस नौ को तीन से डिवाइड करूंगा तो भी तीन, और इसको भी तीन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो बेसिक जो ट्रिक है, ये मेथड है, आपको समझ आया होगा।
स्टार को डेल्टा में बदलेंगे 3 से गुना, डेल्टा को स्टार में बदलेंगे 3 से भाग। ये कंडीशन तभी होगी जब वैल्यू हमारी क्या होगी, बराबर होगी। तो आपको ये स्टार डेल्टा जो पूरा कन्वर्जन सिस्टम है, स्टार डेल्टा को बदलने वाला जो पूरा सिस्टम है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब हमें ये स्टार को डेल्टा में बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी पता होना चाहिए। तो वो देखते हैं, स्टार को डेल्टा में बदलने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, उसके लिए हमें पता होना चाहिए व्हीटस्टोन ब्रिज का। वो 12th क्लास में होता है हमारे, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। ये ब्रिज होता है, इस ब्रिज से क्या करते हैं हम, जैसे हमारे पास ये ब्रिज बना रहा हूं मैं एक, ये हमारा है कुछ इस टाइप में ब्रिज, और यहां लगा हुआ है एक गैल्वेनोमीटर। ये हमारा है ब्रिज और ये लगा हुआ है एक गैल्वेनोमीटर। बताओ गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है। ब्रिज के अंदर हमें अलग अलग वैल्यू दे रखी है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ओके। और ये है गैल्वेनोमीटर, इसको बोलते हैं गैल्वेनो मीटर, ओके। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, जब भी इस सर्किट के अंदर जो ये ब्रांच है, इस ब्रांच के अंदर थोड़ा सा भी करंट अगर होगा, थोड़ा सा भी करंट इस ब्रांच के अंदर आएगा, बीच वाली के अंदर, तो गैल्वेनोमीटर क्या होगा, इस तरह से कुछ होता है इसके अंदर, ये एक मीटर ही होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है, इंडिकेट करना शुरू हो जाएगा, मतलब ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा अगर बीच में करंट की वैल्यू कुछ आएगी तो। अगर बीच में कुछ भी करंट ना आए तो क्या है, गैल्वेनोमीटर वैल्यू देगा 0, ओके। तो ये कंडीशन कब होती है, 0 वाली कंडीशन, ये वैल्यू 0 कब देगा, जब क्या है आमने सामने के जो प्रतिरोध है P और R बराबर हो जाए Q और S के, ये कंडीशन हो जाए। इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होगी, 0। कंडीशन कौन सी है, पी और आर की जो गुणा है वो बराबर हो क्यू और एस के, तब क्या है, यहां बीच में जो करंट होगा वो होगा 0। ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो एक बार देखते हैं, जैसे मैंने ये एक सर्किट ले लिया, ये मैंने एक सर्किट बनाया है ब्रिज टाइप में ही। यहां पर क्या है, मैंने ले लिया 10 ओम का कोई प्रतिरोध है, ये है मेरा 3 ओम का, ये है मेरा 4 ओम का, ये 2 पॉइंट, ये है मेरा 6 ओम का और ये है 2 ओम का। ये सेम ब्रिज मैंने यहां पर बना दिया, यहां पर क्या है गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर की जगह मैंने क्या ले लिया, 10 ओम का प्रतिरोध एक लगा दिया, ठीक है। अब कंडीशन देखते हैं, आमने सामने की गुणा करते हैं, 6 गुना 2 बराबर है या नहीं, 4 गुना 3, 6 दूनी 12, 4 3 12, मतलब क्या है, हमारी ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है इस कंडीशन में। तो यहां पर बीच में जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। बीच वाले वैल्यू की करंट क्या आएगी, 0 करंट आएगा इसके अंदर बीच वाले में, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी देर हमें रुकना पड़ा। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या था, आमने सामने के जो प्रतिरोध है उनकी हमने गुणा की, और दो जो वैल्यू थी वो वैल्यू हमारी सेम वैल्यू मिली है हमें। इसके अंदर क्या है, जो करंट आया है हमारा, वो करंट निकला है 0 ओम, 0 एम्पियर। मतलब अगर ये वैल्यू हमारी सेम होगी, ये वैल्यू मैंने आपको बताया था, ये कंडीशन अगर अप्लाई हो जाए तो
तो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। मतलब क्या था, गैल्वेनोमीटर का जो करंट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। इस कंडीशन में भी यहाँ पर जो करंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो वैल्यू होगी। यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है, आपको पता है, अब जहां पर करंट जीरो हो उस प्रतिरोध की कोई वैल्यू हम मान नहीं सकते, उस प्रतिरोध को हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो हमारा सर्किट बचा है सिर्फ ये वाला। अब इस सर्किट को हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सुबह मैंने आपको बताया था सीरीज पैरेलल का कंडीशन, यहां पर दो पॉइंट ये है, इस साइड से चलेंगे हम। सुबह मैंने बताया था आपको, जहां हमें पॉइंट दिए हुए हो, ये दो ए और बी, ये दो पॉइंट दे रखे हैं, इस पॉइंट से विपरीत दिशा है, दिशा में हम चलेंगे। ये 6 ओम और ये 3 ओम दे रखा है, आपस में सिर्फ एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, ये देखना है। एक पॉइंट जुड़ा हुआ है तो मतलब ये पॉइंट और ये नीचे वाला है उसका भी एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, मतलब ये वाला पॉइंट जुड़ दिया, और ये है 6 ओम का, ये 3 का, ये 4 का, ये 2 का, इस टाइप में यहां पर ये जुड़ा हुआ है, तो ये दो पॉइंट मैंने बाहर निकाल दिए, ठीक है। 6 और 3 ये बन गए एक प्रतिरोध 9 का, 4 और 2 ये बना है एक 6 का, ठीक है। ये दोनों हमें पता है किस चीज में है, पैरेलल के अंदर। तो 9 और 6 पहले तो करेंगे गुना, और 6 प्लस 9 बराबर होगा हमारा 9 6 54, 9 6 15, ये हमारा क्या है, इसको आगे सोल्व करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा, ठीक है। एक बार दोबारा आपको बताता हूँ, मैं रिवाइज करवाता हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसमें क्या कंडीशन थी, P Q R S हमें 4 प्रतिरोध दिए हुए हैं, बीच में एक हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इस गैल्वेनोमीटर की जगह हम प्रतिरोध वगैरह कुछ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर हमने इसलिए लगा रखा है, हमें पता चल जाए भी इस बीच के अंदर जो तो गैल्वेनोमीटर है यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी है, करंट पहुंचा है या नहीं पहुंचा, ये हमें पता चल जाए, तभी हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या कंडीशन होती है, पी और आर आमने की सामने की जो गुना है वो बराबर होनी चाहिए इन दोनों के, ठीक है। अब इसकी गुना करेंगे और इसकी गुना करेंगे, वो आपस में बराबर है तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो रीडिंग आएगी वो जीरो आएगी हमारी, ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर रीडिंग होगी जीरो वैल्यू, जीरो वैल्यू रीडिंग होगी तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। वही कंडीशन यहाँ पर थी, ये सर्किट था 10 ओम में यहाँ था, ठीक है। 6 और 2 ये लिया मैंने, 4 और 3 ये लिया मैंने, तो 6 दुनी 12, 4 तीये 12, मतलब आमने सामने की जो गुना है वो बराबर है, तो इसलिए बीच वाला ये पॉइंट है उसके अंदर करंट कितना आएगा, जीरो करंट आएगा, तो इसको हम हटा सकते हैं। जहां पर करंट जीरो होता है उस चीज को हम मानते ही नहीं है, ठीक है। आगे क्या है, ये सर्किट हमारा बचा है, ये दोनों किस में है, सीरीज के अंदर, ये दोनों भी क्या है, सीरीज के अंदर। इस पॉइंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अगर आपको दिक्कत हो तो, यहां पर ए और बी, ठीक है। तो मैंने ए और बी पॉइंट ये लिख दिए, 6 3 4 2, 4 2 सीरीज, 6 और 3 सीरीज के अंदर, 6 और 3 9, 4 और 2 6, ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में हल करेंगे तो लास्ट में उत्तर हमारा ये आएगा। ये कंडीशन थी व्हीटस्टोन ब्रिज की, जब बीच में अगर करंट की वैल्यू हो जीरो, ठीक है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है बीच के अंदर करंट हमारा जीरो हो, कई बार क्या है ये वाली कंडीशन ना हो तो, मतलब आमने सामने की गुना बराबर ना हो तो, उस कंडीशन में क्या है, हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, तब क्या है, हम जो स्टार वाला स्टार डेल्टा जो कन्वर्जन था, स्टार को डेल्टा में, डेल्टा को स्टार में बदला हुआ है, उसको यूज करेंगे अगर बराबर ना हो तो। लेकिन इतना हाई लेवल थोड़ा क्वेश्चन है, वो कम ही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, फिर भी आपको पता होना चाहिए स्टार डेल्टा जो कन्वर्जन है वो यूज कहाँ होता है। वो स्टार डेल्टा कन्वर्जन यूज वहां होता है जहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, कंडीशन अपनी अप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज की सारी बातें, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में भी। धीरे धीरे प्रतिरोध का जो टॉपिक है वो हमारा
पूरा कर रहे हैं, हम कंप्लीट कर रहे हैं बिल्कुल स्लो स्लो आराम से, मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ। फिर भी अगर किसी भी टाइप की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। आगे क्या है, प्रतिरोध के अंदर होता है हमारा एक कलर कोडिंग निकालते हैं प्रतिरोध के अंदर। ये हमारा प्रतिरोध है वो कुछ इस टाइप में होगा, ये हमारा प्रतिरोध है, ठीक है। इसके अंदर इस टाइप में अलग अलग कलर होंगे इसके अंदर, मतलब ग्रीन येलो किसी भी टाइप का हमारा कलर हो सकता है। आपने अगर प्रतिरोध नहीं देखा है, एक बार कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, उसके अंदर आपको प्रतिरोध जरूर मिलेगा। वो कुछ इस टाइप में होता है और इस पे क्या है, अलग अलग कलर किया होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट एक सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग वाला है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। पीछे जो एग्जाम हुए थे उनके अंदर भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे हरियाणा के अंदर कलर कोडिंग वाले में से, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम कलर कोडिंग के अंदर देखते हैं तो एक पूरी ग्राफ है वो आपको याद रखना होगा। तो ग्राफ क्या है, बी बी रॉय हैज ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये आपको क्या है पूरा याद रखना होगा। इसमें क्या बना है हमारा, बी से बना है ब्लैक, इस बी से बना है हमारा ब्राउन, आर से बना है रेड, ओ से बनेगा ऑरेंज और वाई से बनेगा येलो, जी से बनेगा ग्रीन और इस बी से बनेगा ब्लू, वी से बनेगा वायलेट और जी से बनेगा ग्रे और डब्ल्यू से वाइट, ठीक है। ये हमारे क्या है कलर कोड है। इनके अंदर क्या है, अलग अलग वैल्यू हमें दी होगी, जैसे ब्लैक है, ब्लैक को स्टार्टिंग करते हैं 0 से, ठीक है। ब्राउन है वो होगा 1, रेड होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल हमारे पास ये 10 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद पावर होगी इनकी 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 और ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ठीक है। ये हमारे पास इनकी पावर दी हुई है। सबसे पहले क्या है, हमारे पास कोई प्रतिरोध होगा, जैसे ये मान लो, ये मानता हूं मैं ये प्रतिरोध दिया हुआ है, इनके अलग अलग कलर दिए हुए हैं, ठीक है। ये है हमारा रेड, ये है हमारा ग्रीन, ये है हमारा येलो और ये है सिल्वर, ठीक है। ये हमारे पास प्रतिरोध है और उसकी अलग अलग वैल्यू दी हुई है, रेड ग्रीन येलो सिल्वर, ठीक है। यहां से हम ढूंढेंगे कौन कौन से कलर हमें, कलर के सामने कौन सा पॉइंट हमें मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं रेड पे, इसके अंदर रेड सर्च करेंगे कहाँ है, रेड है 2 नंबर पे, तो लिखेंगे 2, ठीक है। उसके बाद चलेंगे ग्रीन, ग्रीन पर चलेंगे 5, तो लिखेंगे 5। हमें क्या करना है, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, फर्स्ट वाला पॉइंट है हमारे पास जो ये प्रतिरोध है उसके अंदर फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये था 2, 5, वो दिखाता है हमें दहाई का अंक, दहाई का अंक, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट है वो दिखाएगा इकाई का अंक, ठीक है। थर्ड वाला है वो दिखाएगा गुणांक, मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें, और फोर्थ वाला दिखाएगा हमें टॉलरेंस, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर, अभी एचएसएससी के जो एग्जाम हुए थे उसके अंदर पूछा गया था। एक हमारा प्रतिरोध है उसके अंदर जो फोर्थ डिजिट है, फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो क्या दिखा रहा है, टॉलरेंस दिखा रहा है, आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक
ठीक है। तो ये आपको पता चला, सबसे पहले ये हमने कलर लिखे थे, अलग अलग कलर है, रेड वाले पे क्या किया, दो लिख दिया हमने, दाई का अंक आया। सबसे पहले ये क्या है, दाई का अंक है। उसके बाद ग्रीन पे चलेंगे, ग्रीन में क्या है, पांच है, तो मतलब पांच लिखा हमने, पांच कौन सा दिखा रहा है, इकाई का अंक दिखा रहा है, ठीक है, इकाई दाई इस तरह से शुरू करते हैं। उसके बाद लिखना है गुणा, मतलब गुणांक, गुणांक में क्या करना है, येलो, येलो का क्या है गुणांक है, 10 की पावर 4, ठीक है। पहले दो लिखने हैं अंक, उसके बाद गुणा के अंदर क्या है पावर वाला लिखना, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। पहले दो अंक, उसके बाद गुणा, फिर क्या है पावर वाला है वो लिखना है, ठीक है। ये हमने लिख दिया क्या, गुणांक, ठीक है, गुणांक है। अब क्या है, टॉलरेंस की बात करते हैं, थोड़ी टॉलरेंस की बात बताता हूं आपको मैं। इसके बाद में जो टॉलरेंस है वो हमारा क्या होगा, एक तो होगा गोल्ड का पूछते हैं और एक पूछते हैं सिल्वर का, ठीक है। जो गोल्ड है उसकी टॉलरेंस होती है ±5%, और जो सिल्वर है उसकी होती है ±10%। अगर कोई कलर ना हो, कोई भी कलर ना हो, तो उसकी टॉलरेंस होती है ±20%, ठीक है। आपको ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, गोल्ड की जो टॉलरेंस है वो होगी ±5%, सिल्वर की ±10%, नो कलर है उसकी ±20%, ठीक है। यहां पर क्या है, हमें टॉलरेंस देखना है, सिल्वर दिया हुआ है, सिल्वर है तो मतलब चले जाए यहां पर प्लस और माइनस, ये है 10%, ठीक है। तो लास्ट के अंदर जो हमारा उत्तर है, जो ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध कितने ओम का निकला है वो देखते हैं हम। 25, 4 है, 10 की पावर 4 है, तो यहां पर 1, 2, 3, 4 0 लगा दी, और प्लस माइनस है 10%, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा है ओम के अंदर, ठीक है। अगर ये 3 0 हमें हटानी हो तो क्या लिखेंगे, 25 0 K, के का मतलब होता है 1000, ठीक है, के का मतलब होता है 1000, और ये क्या है प्लस माइनस है 10%, इस तरह से भी क्या है लिखा हुआ हमें मिल सकता है। ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों सेम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ आया होगा कलर कोडिंग के बारे में भी, क्या था कलर कोडिंग के अंदर क्या है, हमारे पास एक प्रतिरोध होगा, उस प्रतिरोध के अंदर क्या है, चार इस तरह से क्या है रेखा होगी, प्रतिरोध की चार लाइनें होंगी, वो जो लाइनें हैं वो अलग अलग कलर की लाइनें होगी। पहली लाइन है उसको देखते हैं हम दाई में, दूसरी को इकाई में, तीसरी को गुणांक, चौथे को क्या है टॉलरेंस में। ये था पूरा मैंने आपको बताया, ये आपको याद करना पड़ेगा, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इस तरह से कुछ आप याद कर सकते हो, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। सबसे पहले ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्रम वाइज चलना है, 0, 1, 2 इस तरह से कुछ 9 तक। ये पावर लिखनी है फिर 10 की पावर 0 से लेके 10 की पावर 9 तक, टॉलरेंस है ये अलग से आपको ध्यान रखना है टॉलरेंस के बारे में, ठीक है। अब क्या था, एक प्रतिरोध था हमारा रेड, ग्रीन, येलो और सिल्वर, ठीक है, ये प्रतिरोध दिया हुआ है, इस प्रतिरोध की हमें वैल्यू निकालनी थी, कितने ओम का ये प्रतिरोध है, तो लास्ट में हमारी वैल्यू मिली हमें ये 1। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर ही, देखते हैं हम अलग अलग कलर के प्रतिरोध होते हैं, उसके अंदर हम लेते हैं कलर है। जैसे ये वाला प्रतिरोध है, उसके अंदर 4 लाइन है और ये की है 4th टॉलरेंस की लाइन है, याद रखना है, स्टार्टिंग वाली इकाई दाई की है, फिर इकाई की, फिर गुणांक की, फिर टॉलरेंस की, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो कलर है वो ले लिया मैंने ब्राउन, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखता हूं ब्राउन, ये है हमारा ग्रीन, ये ले लिया मैंने येलो, और ये है गोल्ड, ठीक है। स्टार्टिंग सबसे पहले मैंने क्या बताया है, ब्राउन है, ब्राउन में क्या चलेगा हमारा दाई का अंक, फिर इकाई का अंक, फिर गुणा करेंगे,
फिर लिखेंगे हम पावर, ठीक है। दहाई का अंक इकाई का गुणा में क्या लिखेंगे, जो हमारी पावर दी हुई है वो। इसके अंदर देखते हैं ब्राउन वाला, ब्राउन क्या है, एक नंबर पे है, ब्राउन एक नंबर पे है, तो ब्राउन लिख दिया मैंने एक नंबर, ठीक है। स्टार्टिंग में दो अक्षर, दो जो है ये वर्ड है वो लिखने हैं हमें, दो अंक लिखने, सॉरी दो अंक लिखने हैं, ये लिख दिया हमने एक। ग्रीन, ग्रीन कहां पर है, पांच नंबर में, ग्रीन चलना है पांच नंबर पे, ठीक है। स्टार्टिंग के दो जो है हमारे अक्षर है वो हमने लिख दिए, दो अंक है वो लिख दिए। गुणा में आगे क्या लिखना है, पावर सॉरी गुणांक, येलो जो है उसका गुणांक कितना है, 10 की पावर 4, उसकी पावर है 10 की पावर 4। गोल्ड की बात करें, गोल्ड का जो टॉलरेंस है वो कितना है, 5 प्लस माइनस 5%, ठीक है। यहां पर क्या है, 15 गुणा में 10 की पावर 4 है, तो ये हमने लगा दी 4 0 प्लस माइनस 5% कर दिया यहां पर। या तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है, ये ना मिले तो आपको आंसर मिलेगा 10 की 150, 3 0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि के का मतलब होता है 1000, ठीक है। और ये प्लस माइनस 5%, ये आपका क्या है, आंसर हो सकता है, और ये भी आंसर है, सेम है एक दोनों, ठीक है। ये प्लस माइनस 5% का मतलब क्या होता है, इसमें क्या है, 5% यहाँ पर वैल्यू कम भी हो सकती है और 5% वैल्यू ज्यादा हो सकती है, ठीक है। इतना उतार चढ़ाव इस वैल्यू के अंदर आपको मिल सकता है अगर आपके पास गोल्ड हो तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कलर कोडिंग के बारे में भी पता चला है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो ही हमारा प्रतिरोध पे चलेगा, मैंने आपको बताया है प्रतिरोध के बारे में, हमारा थोड़ा जो लेक्चर है वो काफी 4-5 लेक्चर रहेंगे, लेकिन जो भी डिटेल करवाऊंगा प्रतिरोध के बारे में, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा, कंप्लीट पॉइंट होगा आपका प्रतिरोध के बारे में। और धीरे धीरे करके क्या है, जो भी हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था जो हमारा HSSC लाइन मैन का जो एग्जाम है उसके ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा, ठीक है। एग्जाम की डेट अनाउंस होते ही क्या है, हम थोड़ा सिलेबस है वो थोड़ा जल्दी करेंगे, अभी क्या है धीरे धीरे क्या है स्टेप बाय स्टेप हम आगे चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।